पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत फैली है। कोरोना वायरस के चलते लाखों लोगों की मौत हो गई। अब ये वायरस हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके चलते केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट नजर आती है। साथ ही राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। तमाम राज्य अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। सरकार ने एहतियात बरतते हुए 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। सिर्फ बोर्ड परीक्षा वाले छात्र ही परीक्षा देंगे और ज्यादा जानकारी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड के अंदर कोरोना वायरस का किसी मरीज में पुष्टि नहीं हुई। जो हमारे सभी प्रमुख चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से सभी जगह आइसोलेशन वार्ड निर्माण किए गए हैं और हमारे पास समय 337 आइसोलेशन बेड हैं, जो विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना वायरस हेतु आरक्षित हैं। इस तरह से 337 लोगों के हमारे पास आइसोलेशन बेड की व्यवस्था हमारे पास इस समय राज्य में है। जो हमारे 6 जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, इनमें क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है और जिनमें कुल 801 लोगों की क्वारंटाइन की व्यवस्था है। किसी भी जो विदेशी जो यात्री आ रहे हैं उसके लिए तमाम जो होटल हैं उनके लिए एडवाइजरी राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जागरूकता की दृष्टि जो गांव हमारे सीमावर्ती हैं उनमें उनको उनमें जागरूकता की दृष्टि बैठकों का आयोजन ये चल रहा है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन फैसिलिटी और दूसरी सामग्री पूरी तरह से उपलब्ध है। चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा चुका है। कुछ और आंकड़े देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भारत नेपाल सीमा चौकियों में जनपद चंपावत के बनबसा टनकपुर में, जनपद पिथौरागढ़, धारचूल, बलुआ कोट, जौलजीवी, झूलाघाट, ड्यूरा में और जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जा रही है सूची है। ये भारत सरकार हमको उपलब्ध कराती है। अभी तक जो 526 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और जिनकी सभी की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है, 351 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूर्ण कर चुके हैं इनमें से, और अभी तक 175 लोग निगरानी अवधि, जिनमें से 174 में अपने घर में और एक को चिकित्सालय में निगरानी में रखा गया है। अभी तक इन स्थानों पर 22,968 लोगों की स्क्रीनिंग को जा चुकी है, जिसमें कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला। सभी स्क्रीनिंग पॉइंट पर मेडिकल टीम एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एयरपोर्ट देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्री स्क्रीन किए जा रहे हैं और अभी तक 40,508 लोगों की जांच में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। साथ ही 31 दिसंबर 2019 के बाद से चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की सूची समय समय पर भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को दी जा रही है। वर्तमान तक 526 लोगों की सूची प्राप्त की गई। सूची में से 351 लोग निगरानी के 28 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। उसके माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है और अभी सभी जो ये 174 प्लस 175 लोग हैं जो निगरानी अवधि में हैं, अभी सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी तक जो प्रदेश भर में सामान्य लक्षण जो रिपोर्ट किए जाने पर जो एहतियातन जो सैंपल जांच हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित जांच केंद्र में भेजे गए वो 17 लोगों के हैं। 12 की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव प्राप्त हुई है। 17 में से 12, 10 जिनमें से 10 जनपद देहरादून और 2 हरिद्वार से हैं। अन्य 5 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। इनकी रिपोर्ट आनी अभी इंतजारी में है, जिनमें 4 देहरादून और 1 नैनीताल से हैं। हालांकि उत्तराखंड में 17 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जबकि 5 की रिपोर्ट आनी बाकी है।
राज्य में कुल 337 आइसोलेटेड बेड की व्यवस्था है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।